नमस्कार, मैं रितेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। प्रयागराज जिले के विकास खंड चाका के उभारी गांव में सरकारी राशन की दुकान में अनियमितता पाए जाने से निवासियों में आक्रोश। गांव की महिलाओं का ग्राम प्रधान पर सीधा आरोप। महिलाओं ने एसडीएम कृष्णा को ज्ञापन दिया और आरोप लगाया कि उनके गांव के ग्राम प्रधान ने कोटे की दुकान के चुनाव में धांधली की है, साथ ही शौचालय और आवास का पैसा भी डकार गए। प्रयागराज से कौशलेश तिवारी की रिपोर्ट। चुनाव पड़ा था, ये प्रधान के द्वारा हम लोग सारी महिलाओं के एक तरफ कर दिया गया और कुछ 4-6-10 आदमी थे उन लोगों के सामने सुनवाई कर दी गई कि कोटा इनको ये जो है इनका ये जीत गया। और सारी औरतें, ढेर सारी औरतें सबको एक किनारे कमरे में सबको जाइए, उधर अकाउंटिंग होगी, इधर सुनवाई कर दी है। इसकी जानकारी आपने ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को नहीं दी क्या? सर, हम लोगों ने ब्लॉक भी गए, वहाँ के अधिकारी कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। और वही लोग वहाँ थे जो कि यहाँ आए थे चुनाव यहाँ घोषित करने, वही लोग आए थे। एक चीज और कि जो है धारा 144 चल रही है, महामारी का दौर चल रहा है, उसको आप लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, इसको ध्यान में रखा गया? वो दूरी बना कर ही रखे हैं जी, और सब लोग 1 मीटर की दूरी बना के रखे हैं, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए।